नेक्स्ट हमारा राइट कौन सा स्टार्ट होता है, जो हमने अभी तक डिस्कस की थी, हमने डिस्कस कर लिया था आर्टिकल 19 को, देखा था पूरी तरह से, अच्छी तरह से देखा था कौन कौन से राइट्स हैं व्यक्ति के पास में होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसको, देख लें क्या क्या थे। तो उसमें क्या हमने पढ़ा था, पहले जो 6 राइट्स दिए गए थे आर्टिकल नंबर 19 के तहत, क्या दिए गए थे, 6 राइट्स दिए गए थे। जो पहला कौन सा राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया था, असेंबल पीसफुली था, फॉर्म एसोसिएशन था, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया था, रिजाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये दिया गया था हमने, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, ये सब दिया गया था। प्रोटेक्शन इन कैथर रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर द ऑफेंस कौन कौन से दिए गए थे, इसमें एक्स पोस्ट ऑफ फैक्टो लॉ दिया गया था, डबल जियो पॉडी जो हमने बताया था लॉ दिया गया था, सेल्फ इंक्रमिनेशन लॉ दिया गया था, ये सब दिए गए थे इसमें। फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात जो हमने की थी, राइट टू एजुकेशन की बात इसी में आता था, 21 का ए जो एड कर दिया गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन सर्टेन केसेस जो हमने देखे थे, कौन कौन से अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हो तो कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, कौन कौन से ग्राउंड टू अरेस्ट यानी अरेस्ट किया जाता है तो उसको बताने का पूरा राइट वगैरह होता, से सब देखा था। अब हम देखते हैं क्या है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन देखेंगे, ये किस राइट से किस आर्टिकल तक स्टार्ट होता है हमारा, 23 से 24 तक स्टार्ट होता है, और नाम क्या है इसका, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। तो अब इसको देखते हैं, इन इंडिया कहते हैं दे आर प्रोवाइडेड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एक्सप्लोटेशन अगेंस्ट स्लेवरी, बेगर, बॉन्डेज लेबर एंड चाइल्ड लेबर, द कॉन्स्टिट्यूशन सीज कहता है पर्सन एक्सप्लॉटिंग अनदर पर्सन एज ए कहता है क्रिमिनल ऑफेंस। उस समय क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे, तो जब आज़ादी के पहले की बात करें तो वहाँ पर क्या था, आप तो लोग क्या करते थे किसी को, यानी कि वो हमेशा गुलामी बना रहा है एक दूसरे एक व्यक्ति का, वो कभी आज़ाद हो ही नहीं पाया, चाइल्ड लेबर खूब चल रहा था उस समय, बेगर यानी कि बहुत चल रही थी उस समय, बेगारी सिस्टम चल रहा था, स्लेवरी चल रही थी खूब, बॉन्डेज लेबर यानी कि उनको हमेशा काम ही करते रहते, एक बॉन्ड साइन कर लेते तो हमेशा काम करते थे, उनकी फैमिली तक काम करती रहती थी किसी न किसी व्यक्ति के अंदर। जब देश आज़ाद होता है हमारा, तो इन सबको क्या किया गया, ख़त्म किया गया था कि दोबारा ऐसा ना हो कभी भी किसी के साथ में। तो देखो होता क्या है, जो हमारा 23 है कहता है प्रोविजन ऑफ, कहता है ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड कहता है फोर्स लेबर, इसमें क्या किया गया है, ट्रैफिक यानी कि ह्यूमन ट्रैफिक ट्रैफिकिंग पर क्या लगाया गया, रोक लगाया गया है। किस पर रोक लगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर। जैसे अगर इनको ट्रिक से याद कर सकते हैं, किससे याद कर सकते हैं, माँ बाप से याद कर सकते हैं, माँ बाप, माँ से क्या हो गया यानी कि ह्यूमन की बात होगी, पास से क्या होगी यानी कि बात से क्या होगी, अब चिल्ड्रन की बात करेंगे, देखना कैसे होगा। तो माँ बाप मतलब कहाँ, तो इसमें किसकी बात करते हैं, ट्रैफिक में ह्यूमन बींग्स मतलब ह्यूमन क्या हो गया, ह्यूमन मनुष्य हो गए, एंड फोर्स लेबर, और फोर्स लेबर को बैन किया गया है, मतलब किसी भी व्यक्ति को क्या है, ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग मतलब बेचा नहीं जा सकता। पहले क्या था, बेचना यानी कि ज़्यादा चलता था इस तरह, हम क्या कर सकते थे, बेच देते थे, यानी कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता था, किसी को बेच देता था, इतना राइट होता था, अगर किसी के गुलाम है तो उसको बेच देता था, कोई अपने बच्चों को बेच देता था। तो इसको क्या किया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाया गया है, कोई किसी को बेच नहीं सकता, ये इलीगल है, ऐसा होता। बहुत सारे क्राइम पेट्रोल वगैरह देखो जिसमें क्या किया जाता है, बच्चों को बेच देते हैं, कहीं से बच्चे पकड़ कर लाए जाते हैं उनको बेच देते हैं, ये सब क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये। इस पर क्या किया गया, बैन लगाया गया, आर्टिकल नंबर 23 क्या करता है, इस पर बैन लगाता है। फिर 24 क्या हमारा करता है, 24 कहता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन कहता है हैजार्डस जॉब, मतलब क्या था, बच्चों को, बच्चे आगे देखो तो बच्चों को कभी भी ऐसे जॉब पर नहीं लगाया जाएगा जो क्या उनके लिए हैजार्डस मतलब क्या है, डिफिकल्ट हो, बहुत ही खतरनाक, ऐसे जॉब पर नहीं लगाया जाएगा, और स्पेशली 6 से 14 साल के बच्चों को, इनको तो काम कराया नहीं जा सकता, अगर इनको काम कराते पकड़ा जाता है तो आप क्या क्या हो सकता है, उनको सजा भी हो सकती है, ये क्या है, इलीगल है, इसको बैन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ऐसा नहीं किया जा सकता, अगर ऐसा होता तो बैन होगा, वो व्यक्ति क्या होगा, सजा हो सकती है उनको। तो हमारा 23 क्या हो गया, 23 आर्टिकल क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग के ट्रैफिकिंग पे क्या लगाना, रोक लगाना। और हमारा 24 आर्टिकल क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन हैजार्डस जॉब, मतलब उनको खतरनाक काम पे नहीं लगाया जा सकता जिससे उनकी लाइफ को खतरा हो। ये हमारे क्या है, 23 24 हो गए, मतलब कौन से हो गए हमारा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन का आर्टिकल क्या होता है, 23 एंड 24, यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, थर्ड राइट भी हमारा खत्म हो गया। अब हमारा स्टार्ट होगा, देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब स्टार्ट होगा, और ये किस आर्टिकल दिया गया है, 25 से लेकर 28 से दिया गया है। तो किसकी बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, मतलब हमसे कैसे फ्रीडम हमको दी गई है, इन सब की बात कर, फ्रीडम टू रिलीजन की बात करेगा, मतलब रिलीजन क्या है हमारा, रिलीजन के बेस पर कौन कौन सी स्वतंत्रता होती है हमारे पास में, इसकी बात करता है। देखो कहता है इट इंश्योर फ्रीडम टू फेथ एंड कहता है परमिट टू ऑल सिटीजन, क्या करता है, हर एक व्यक्ति क्या करता है, कुछ परमिट मिलते हैं, परमिशन मिली हुई होती है, जैसे अलाउ द पर्सन टू प्रोग्रेस एंड प्रॉपर
प्रोफेस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, वो क्या करता है, किसी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है। अगर मुझे लगता है दैट आई एम हिंदू सो आई नीड टू प्रोफेस और प्रोपेगेट माई रिलीजन सो आई कैन डू दैट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता हूँ, प्रोपेगेट कर सकता हूँ, तो ये मेरे पास में राइट है। नॉट ओनली मी बट अदर पर्सन इफ थिंक्स इफ अदर पर्सन आर थिंकिंग सेम लाइक दैट मी सो ही कैन ऑल्सो सेम अडॉप्ट ही सेल ही कैन ऑल्सो सेम दैट, तो वो भी ऐसा कर सकता है। नो वन कैन चेक हिम, नो वन कैन डाउट हिम बिकॉज इट्स अ राइट। वो क्या कर सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको राइट दिया गया है। फिर क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इंग्लिश कहता है सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सो इट इंश्योर द इंजॉयमेंट ऑफ, कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या करता है, एक व्यक्ति के पास में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा करता है, अगर किसी, क्योंकि हमारा देश क्या है डेमोक्रेटिक, सेकुलर डेमोक्रेटिक है, तो यहाँ पर क्या जबरदस्ती किसी से नहीं की जाती है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हिंदू बनना पड़ेगा, मुस्लिम बनना पड़ेगा, क्रिश्चियन बन जाओ, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। अगर वैसा करता है मजबूरी में, यानी कि उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है, तो क्या होगा, ये उसके साथ में तो उसको सजा दी जा सकती है, उसको क्या हो सकती है, सजा होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे केस मिलते हैं देश में जहाँ पर क्या होता है, धर्मांतरण कराया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जो क्या है इलीगल है, ऐसा नहीं हो सकता, ना तो ऐसा किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको क्या है, सजा हो सकती है। फिर क्या कहता है, दिस फ्रीडम इज गिवन, कहता है थ्रू आर्टिकल नंबर 25 to 28। ये जो फ्रीडम हमको दिया गया है, किस आर्टिकल तक दिया गया है, 25 से लेकर 28 तक हमें क्या है ये फ्रीडम दी गई है। तो जैसे हमारा 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ, कहता है कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेंडा ऑफ एनी रिलीजन। क्या कर सकते हैं, देखो हमने पहले बताया था फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अपने धर्म के मानने की स्वतंत्रता है, मुझे कोई मना नहीं कर सकता दैट आई विल नॉट फॉलो द हिंदुइज्म। अगर मुझे लगता है कि हिंदू रिलीजन अच्छा है तो मैं हिंदू रिलीजन मुझे फॉलो करूंगा, अगर मुझे लगता है कि हिंदू रिलीजन अच्छा है तो मैं वो मुस्लिम अच्छे हैं तो मुस्लिम रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता हूँ। नो वन कैन फोर्स मी दैट यू हैव टू बी इन हिंदू, कि तुमको हिंदू ही रहना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कि क्रिश्चियन अच्छा है, क्रिश्चियन रिलीजन अच्छा है, मुझे क्रिश्चियन हो जाना चाहिए, तो नो वन कैन इंसिस्ट मी दैट यू शुड बी फॉलो टू योर रिलीजन। कोई फॉलो नहीं, यानी कि इंसिस्ट नहीं कर सकता कि तुमको अपने रिलीजन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कोई भी रिलीजन अच्छा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस रिलीजन को आसानी से अडॉप्ट कर सकता हूँ। ये मेरे पास में क्या है, राइट है, ये मेरे पास में क्या फंडामेंटल राइट है। और मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोफेशन मतलब प्रचार प्रसार कर सकता हूँ, प्रोपेगेंडा कर सकता हूँ, प्रोपेगेशन कर सकता हूँ अपने रिलीजन के, मेरे पास में क्या राइट है मेरे पास में। फिर क्या, हमारा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम इसमें क्या दिया गया, मैनेज करना, और मैनेज किसको करना, रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स क्या होते हैं, बहुत सारे मतलब कि अपने जो धर्म के अंदर मैं किसी भी तरह से मुझे कैसे क्या करना है, मैं अपने धर्म के लिए क्या कर सकता हूँ, कर सकता कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी मेरे धर्म के अंदर जो चीज़ें होंगी मैं क्या कर सकता हूँ, उसको अच्छी तरह से मैनेज करने का क्या मेरे पास में राइट है। कहते फ्रीडम टू पे टैक्सेस की प्रमोशन एनी पर्टिकुलर रिलीजन, इसमें क्या दिया गया है, अगर मुझे क्या, अगर कोई पे टैक्स, अगर कोई इलीगल पैसे या कोई भी पैसा हो, अगर कोई क्या करता है टैक्स के रूप में क्या करता है, मंदिर में दान कर देता है या किसी इंस्टीट्यूट में दान कर देता है, तो गवर्नमेंट कभी भी उससे टैक्स नहीं मांगती, गवर्नमेंट क्या करती है उस पर कभी टैक्स नहीं मांगती है, ये सबसे दिया गया है। तो लोग क्या करते हैं, इसी में दान कर देते हैं, यानी कह सकते हैं इसी पे क्या किया जाता है, इसी आर्टिकल के तहत ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर लिया जाता है। बहुत से मंदिर हो गए, ट्रस्ट हो गए, सबके इसीलिए बनवा दिए जाते हैं, जो क्या कर सकते हैं ब्लैक मनी को व्हाइट कर सके, इसके तहत ऐसा होगा, सब दान कर देते हैं इसी के अंतर्गत ऐसा करते हैं। फ्रीडम टू, कहते हैं अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वर्शिप इन, कहते हैं सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इसमें क्या दिया गया है, जो इसमें क्या है, अपने धर्म के नाम, अगर मुझे क्या करना है, मुझे लगता है कि मुझे अपने धर्म के एक स्पेशल स्कूल खोलना है कुछ भी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्कूल खोल सकता हूँ जहाँ पर किसकी शिक्षा दी जाएगी, सिर्फ इसी की शिक्षा दी जाएगी। इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशन खोल सकता हूँ जहाँ पर अपने धर्म की शिक्षा दे सकता, ये गलत नहीं होगा। जैसे मदरसा वगैरह क्या, वहाँ पर अब धर्म से शिक्षा दी जाती है, तो ये इसी के अंतर्गत ऐसा आता है। अगर कोई भी ऐसा चाहे तो ओपन कर सकता है, अपने धर्म का शिक्षा दे सकता है वहाँ पर, वो इलीगल नहीं होगा, क्या है वो लीगल माना जाएगा।